मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वाइलन रिव्यू के अंदर। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुंदर से वाइलन को जिसे बनाया है माइनक्राफ्ट्स वाइलन कंपनी। ये एक इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है और एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। दोस्तों ये कोई पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है क्योंकि मुझे ये वायलिन गिफ्ट मिला था। क्या आपको पता है कि 70-80% जो वायलिन इंडियन मार्केट में मिलते हैं वो चाइनीज कंपनी होती है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट होता है, और जो प्रीमियम ब्रांड होता है वो मेड इन इंग्लैंड मेड इन जर्मनी होता है। तो इंडियन वायलिन कंपनी अभी तक कोई ऐसी नहीं है जो उनको बढ़िया टक्कर दे पाए क्योंकि सालों से इन चाइनीज कंपनी ने देश में अपना कब्जा कर रखा है, राज कर रखा है। मैंने इसको एक महीना अच्छे से चेक किया, बजाया, इसकी हर चीज को देखा बारीकी से। तो देखते हैं कि क्या ये इंडियन कंपनी अच्छी साबित होगी कि नहीं। आज के इस रिव्यू से आपको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बताओ कैसे? मैं आपको यह भी सिखा दूंगा साथ में कि आपको वायलिन खरीदते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। समझ गए ना? तो एक तीर से दो निशाने। तो आइए जानते हैं कि यह कैसा वायलिन है। पहला पॉइंट दोस्तों, ये वायलिन बड़ी सुरक्षित तरीके से मेरे घर पे आया था, सेफली आया था, बहुत अच्छी और टाइट पैकिंग के साथ आया था। तो इसमें तो हम निश्चिंत रह सकते हैं कि भाई ये वायलिन अच्छी तरीके से घर पहुंचाते हैं और आपको आपका वायलिन सही सुरक्षित सेफ मिल जाता है। दूसरी बात, ये एक बैग आया है, इसके पीछे ये इसकी स्ट्रिप्स है जिनको आप टांग सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और अपने साथ कहीं ले जा सकते हैं परफॉर्म करने के लिए कहीं पिकनिक पे। फिर जब वायलिन को खोलते हैं दोस्तों, वायलिन को खोलने पर ये सुंदर सा वायलिन आपको देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर टिश्यू पेपर है। कुछ टिश्यू पेपर इसलिए रख रखे हैं ताकि सफाई बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे। अब ये अंदर का केस खोलते हैं अंदर का, और ये मुझे दो ब्रिजेस दिख रहे हैं। दो ब्रिज है ये, और दोनों अलग अलग किस्म के ब्रिज हैं, दोनों अलग अलग शेप के ब्रिज हैं। तो मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, मुझे जैसा संगीत प्ले करना है वैसा मैं ब्रिज अपने हिसाब से अपने कंफर्ट जोन से रखूंगा। रोजिन मिला है, रोजिन भी अच्छी क्वालिटी का रोजिन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोकल क्वालिटी का रोजिन दे दिया है, तो ये भी अच्छा है। उसके बाद ये क्या मिला है? अच्छा, ये इनका माइनक्राफ्ट कंपनी का ये टैग मिला है। फिर दोस्तों ये क्या है रैप किया हुआ? तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छा ये तो म्यूटर है और बहुत सुंदर म्यूटर है, तो गोल्ड के जैसा, ये आवाज़ को दबा देता है तो बिगनर्स के लिए अच्छा है ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। ये बो है, वेल बैलेंस्ड बो है, काफ़ी अच्छी हल्की बो है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की बो है विद हॉर्स हेयर, और ये कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स मिली है कि अगर स्ट्रिंग्स टूट जाए तो काम आ जाए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि अब पता पड़ेगा ये वायलिन कैसा है। सबसे पहले इसकी बॉडी को हम देखने वाले हैं, इसकी बॉडी कैसी है, आगे से पीछे से इसकी नेक को देखने वाले हैं, इसके जॉइंट्स को देखने वाले हैं, कहीं से कोई क्रैक टाइप तो नहीं है, कोई ऐसा काम जो दिखने में खराब लग रहा हो, जुगाड़ू लग रहा हो, है ना, कुछ अजीब सा लग रहा हो। इसके इस हेड को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ बनाया गया है, इसके जॉइंट भी बड़े क्लीन किए गए हैं, और सबसे खास बात यह है कि जो लकड़ी यूज की गई है ये एक अच्छी लकड़ी है, पुरानी लकड़ी है जिसको मैपल वुड कहते हैं। तो जितना पुराना वायलिन रहेगा उतना महंगा आएगा, उसका उतना साउंड का टेक्सचर अलग होगा, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। दोस्तों जहां तक बॉडी की बात है वो बड़ी क्लीन है, सफाई से बनाई गई है, और उसके जो कर्व्स आ रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। अब जानते हैं इसके फिंगर बोर्ड के बारे में, जहां आप अपनी फिंगर्स रखने वाले हो, क्या वो अच्छा है, उसमें क्या कमी है या क्या है। तो दोस्तों मेरे लिए स्पेशली ये 5 तार का वायलिन बन के आया है,
उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आपको कैसा वायलिन चाहिए, तो मैंने कहा था कि भाई मुझे 5 स्ट्रिंग का वायलिन चाहिए, क्योंकि 4 स्ट्रिंग का तो मैंने बहुत बजा लिया, बहुत सारी कंपनियां देख भी ली, पर 5 स्ट्रिंग का ट्राई करना है और ऐसा बनाना जिसमें मुझे नींद स्लाइड करने में आसानी हो, इंडियन क्लासिकल बजाने में आसानी हो। तो इन लोगों ने उस बात को ध्यान रखते हुए फिंगरबोर्ड को बड़ा स्मूथ बनाया है, ताकि मैं अगर स्लाइड करता हूं तो मेरा हाथ कहीं रुकता नहीं है, और फिंगर बोर्ड पे जो कर्व आ रहा है देखो ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाया गया है। अगर बहुत ज्यादा बैंड आता है तो उसमें क्या होता है कि वो खराब माना जाता है ना, ढंग से बजता नहीं है, बजिंग की आवाज आती है, साफ आवाज नहीं आती है, बट बहुत ही कम गैप है आप देख सकते हो, तो ये एक परफेक्ट गैप माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा मेरी डिमांड के ऊपर बनाया गया था, तो अच्छा काम किया है। अगर आपको इंडियन म्यूजिक प्ले करना है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक प्ले करना है, तो उस हिसाब से इसको देखते हैं तो इसका फिंगरबोर्ड काफी अच्छा है और मीन गमक करने में काफी आसानी हो रही है। अब बात करते हैं इसके ब्रिजेस की। तो मुझे 2 ब्रिजेस साथ में गिफ्ट आए थे, 2 ब्रिज दिए थे। अभी दोस्तों देखो, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने होते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो उस हिसाब से ये अच्छे आए थे। बट उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आपको कैसा चाहिए, हम आपको वो करके देंगे, बट मैंने कहा था कि वो मैं अपने हिसाब से सेट कर लूंगा। मुझे 2 ब्रिज के ऑप्शन मिले थे, दोनों अच्छे ब्रिज है, अबव एवरेज ब्रिज है। उसके बाद बात करते हैं इसके ट्यूनिंग नट्स की। ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फाइन ट्यूनिंग नट्स है, ये बड़े सुंदर बना है, ऐसा लगेगा सोने का वायलन हो आपका, इतना सुंदर डिजाइन दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि खास बात ये जो है ना, ये स्पेशली मेरे लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको एक सरप्राइज देंगे, तो ये जो इसका 3D इसमें एनग्रेविंग किया हुआ है, 3D बनाया गया है चिन रेस्ट इसका, तो दिखने में काफी सुंदर है, काफी अट्रैक्टिव है, और इसके लुक को बड़ा 4 चांद लगा देता है। अब मैं आपको बताऊंगा असली राज की बात, इसका साउंड पोस्ट। ये क्या होता है, ये एक लकड़ी होती है जो कि अंदर होल के अंदर रहती है, आपको शायद से दिख रही होगी, मैं तब पास ले आया हूं। ये एक एक छोटी सी पतली सी लकड़ी होती है जो ऐसे रखते हैं नीचे, वर्टिकली लगती है ब्रिज के नीचे, ठीक है, जो सबसे पतली वाली स्ट्रिंग होती है वहां नीचे लगती है ऐसी लकड़ी सीधे। ये असली राज है वायलिन की आवाज का दोस्तों। तो ये साउंड पोस्ट इन्होंने कैसा लगा रखा है, अगर वायलिन का साउंड पोस्ट निकाल दे तो आवाज एकदम एकदम अजीब सी आएगी। क्यों, उसका कारण यह है क्योंकि वाइब्रेशंस जो है वो साउंड पोस्ट से होते हुए ट्रेवल करते हैं नीचे, एम्प्टी स्पेस पे वाइब्रेशंस जाते हैं, वहां एयर स्पेस होता है और फिर आपको अच्छी आवाज मिलती है। मोटाई, चौड़ाई, लंबाई सब मायने रखती है। इन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा इसको टेढ़ा लगा रखा है, साउंड पोस्ट को थोड़ा सा इन्होंने लंबा कर रखा है, ठीक है। अब लंबा किया है तो मतलब उनको टेढ़ा लगाना पड़ेगा, उससे क्या हुआ है आवाज में ज्यादा गूंज आ रही है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लगाते तो जो एक स्टैंडर्ड आवाज आनी चाहिए वो आती, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा लगाया है क्योंकि मैंने इनको कहा था कि मुझे इंडियन वायलिन का थोड़ा फील चाहिए, तो जिससे सारंगी टाइप का आवाज निकले, उस टेक्सचर का आवाज निकले। अब ये बड़ी डिटेल्ड बातें हैं, लेकिन मतलब जिसने भी बनाया है अच्छी तरीके से दिमागदार बंदे ने बनाया है ये, वेरी गुड। अब बात करते हैं वायलिन की सांस की। ये है वायलिन की सांस, जिसको कहते हैं बो। ये बो जो है, बो में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि बो भारी ना हो, उसका वेट अच्छा हो, उसका संतुलन अच्छा हो। तो अगर मैं बो को ऐसे पकड़ रहा हूं तो देखो मैं आराम से इसको पकड़ पा रहा हूं, बहुत कम ऐसे लटक रही है ये, और बहुत लाइट वेट है इसका, कर्व भी अच्छा है। और जो बाल यूज किए गए हैं ये हॉर्स हेयर है, ये नाइलॉन के हेयर नहीं है। अगर आप थोड़ा सस्ता वायलिन लोगे तो हो सकता है उसमें आपको नाइलॉन वाले मिले, और प्रीमियम वाला लोगे तो आपको पुरानी लकड़ी और हॉर्स हेयर मिलेंगे। लेकिन ये मुझे बो मेरे पुराने वायलिन की बो से बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। ये मेरी जो बो थी ये भी एक प्रीमियम वायलिन का ब्रांड है, ठीक है, मेड इन इंग्लैंड कंपनी है ये, उसकी बो है, और ये इंडियन कंपनी है उसकी बो है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये इसकी विजेता है इंडियन कंपनी, क्योंकि मजा आ रहा है इसको पकड़ने में, ठीक है, बैलेंस अच्छा बन रहा है। ये थोड़ी मुझे भारी लग रही है मेरी पुरानी वाली। अब दोस्तों आप पूछेंगे इसका साउंड सुनना है आपको, तो उसके लिए आपको कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मेरा एक कवर आने वाला है जिसमें मैंने ये वायलिन यूज किया है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है 1-1.5 महीने का, उसमें मुझे ये वायलिन
अच्छा लगा है एस कंपेयर टू जो मेरे पुराने वायलिन थे उनके मुकाबले। आप ये वायलिन खरीद सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और चाइनीज वायलिन से तो अच्छा ही है, क्योंकि देश का बंदा कुछ काम कर रहा है तो उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। आपके जो नंबर है कंपनी के मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिए हैं, ठीक है, तो जिन्हें भी खरीदना हो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल है इनका कि मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं अभी यहां पे, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बिगनर्स के लिए वायलिन का क्या रेट है, उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन सी लकड़ी है, और डिटेल जानकारी आप फोन पे इनसे बात कर लीजिए। दोस्तों अब बात करेंगे इस वायलिन की रेटिंग की, तो मैं इस वायलिन को रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से 3.5 और आधा एक्स्ट्रा यानी कि 4, क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है और इतना मेहनत कर रहे हैं, कस्टमर की बात सुनते हैं और उन्हें एक अच्छी चीज प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। तो 5 में से 4 स्टार मेरी तरफ से माइंड टॉप्स वायलिन को। आपको बहुत सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं, मेरे प्यारे दोस्तों को बहुत सारा प्यार। एक जबरदस्त कवर लेके आ रहा हूं मैं, पता है ना पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का, ऐसा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, देखा होगा, और सिखाया मैंने बहुत कुछ है अपने चैनल पे, जाओ सीखो और बहुत कुछ नया आने वाला है। तो हमेशा की तरह मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद और जय भारत।